जो मैं रखा हूँ इस सेमिनार के लिए दो गलतियाँ, सबसे पहले यह है क्या कुछ सीखा है हमने इससे कि पहली आपदा नहीं है तो नुकसान भी होगी, हर आपदा होती है, हर आपदा की रिपोर्ट जाती है, उसके रिसर्च क्या है। मुझे याद है मैंने पढ़ी गई थी जाना चाहता था और घूम गया रहा, हमने कोई 200 पेज की रिपोर्ट बना के भेजी कि क्या हमने कमियाँ थी, वैसे हम आपके रिपोर्ट में प्रूव कर सकते हैं आगे के लिए क्या होनी है। अब मैं जब किसी को पूछता हूँ मुझे जवाब दिया जाता है कि पानी के लिए तो दे दिया, किसी मुद्दे में वही रहते हैं आप उन मुद्दों को और माहौल है उसमें ना सकते और उनको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है ये तो हमारी धरोहर है, तो हमारा एक्सपीरियंस है। हम समझते हैं कि हम वो पुराना वाला बेवकूफ था, हम उससे होशियार हैं और इसलिए हम नया करें और करते कुछ नहीं। अब उसकी जी हम ये सबक तभी सीख सकते हैं कि हम ईमानदारी से अपनी गलतियाँ मानने को तैयार हैं। अगर हमने मन में ठान ली है हमने हर चीज़ सही की है तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते, वो उसका कुछ फायदा होगा। तो हमारा देश काफ़ी बुढ़ चुका है, हर बार हम कोई गलतियाँ कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे हैं, मेरी समझ से काफ़ी वक्त गुजर गया है। हम अपनी आगे पीढ़ियों के लिए उसको छोड़ जाए, वो कहेंगे क्या यही आपने हमारे देश के लिए छोड़ा, हमारे लिए कोई प्रेरणा है। ये मैं चाहता हूँ कि ये इस कृषि को कैसे ये ठीक हुई। दूसरी बात मकान जी ने बात की थी विकास, मेरे हिसाब से ये बड़ी बेपरू का डिस्कशन है। मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ, आप विकास किसके लिए करते हो? जो जनता वहाँ रहती है कि आप एक इलाके का विनाश करके दूसरे इलाके का विकास करना चाहते हो? ये दलीलें क्यों की जा रही है भी मैं बताना चाहता हूँ। ये दलीलें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हमने अपने दिमाग लगा के ये नहीं बताओ कि यार हमारे इलाके का किस धर्म का विकास होना चाहिए, और जब हम आदमी को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तो हर आदमी बड़ा सबसे सिंपल रास्ता चुनिए। इस बारे में मैं आपको उदाहरण दूंगा क्योंकि शायद आपने से कम लोगों को बताया कि सुनामी के दरमियान पांडिचेरी का तो मैं राज्यपाल था पर 3 महीने बाद मुझे अंडमान का चार्ज भी दिया गया और मैं करीब 1.5 साल तक जब मैं मिजोरम में भी चला गया तो अंडमान का चार्ज मेरे पास रहा, जबकि मुझे फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना पड़ा कि यहाँ से बहुत दूर है, अब हमने नक्शा बना दिया है कि क्या आपने डेवलपमेंट करना हमारी जान को, तो मैं बताऊँगा कि कैसे हमने उस इन्वायरमेंट वहाँ की परिस्थिति देखी डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ। तो मैं बात जो भी विकास है विकास संतुलन विकास होना चाहिए, इलाके के विकास के लिए वहाँ के साधनों को क्या साधन है, साधन को हम किस तरह से विकसित कर सकते वो होना चाहिए। और ये दलील देना कि टेढ़ी डैम बना इस क्षेत्र नहीं आए, अरे टेढ़ी डैम बना जो पीछे जो आपने और डैम बना दिया और नदी का बहाव कर दिया तो उनसे तो फर्क आए, नहीं तो बाकी लोगों को कुछ नुकसान होता। ये दलीलें अब हमें दलीलों पर नहीं, हमें सच्चाई से मुंह नहीं देखना चाहिए। गलतियाँ हुई हैं कोई बात नहीं होती है, पर कम से कम और सच्चाई हम उन गलतियों से सीखें क्या क्या हमें करना है। तो तीसरी चीज है इस पर तीसरी चीज हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या डेवलपमेंट करना चाहिए वही विडम्बना है। विडम्बना ये है कि जैसे बताया गया आज जो आम आदमी वहाँ है उसकी पहली च्वाइस ये है कि मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास नया कोई साधन है,
ना हमें कोई देखभाल होती है, ना हमें कोई, तो क्या हम चाहेंगे कि हम हमारा पहाड़ी इलाका और उसमें हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट बॉर्डर है, चाइनीज के साथ बॉर्डर लगता है हमारा वजनाथ के इलाके में और काशी के आगे दोनों जगह चाइनीज के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो क्या हम उस इलाके को छोड़ देते हैं? चाइनीज अपनी मर्जी से जब आए, जब मर्जी आए तब मर्जी चले जाए, तो उसमें कमी इसलिए है कि हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पाए हैं, उसका नहीं दे पाए, तो हम आपको इस रास्ते पे ले जाएंगे और इसके लिए हम आपकी ये मदद करेंगे। ये भी मैं कवर करूँगा कि हमने क्या डेवलपमेंट किया पांडुचेरी में बनाया, क्योंकि वो हमारे इसमें भी काम आ सकते। तो ऐसे डिस्कशन होगा आता रहेगा, मैं आपको क्या इसमें इनिशियल फेजेस में जो मेरे हिसाब से हुआ है, क्योंकि जैसे मैं आपको राम पांडिचेरी में किसी ने हमें नोटिस नहीं दिया, सुनामी आ गई 9 बजे हमें खबर आई कि समुद्र का पानी वह शहर में आ गया। हमें ऑफिसर को बुलाया, हमने कहा कंट्रोल रूम बैठाइए और सब लोगों को मोबिलाइज किया, कभी वार्निंग नहीं आई है। उसके बाद धीरे धीरे रिपोर्टिंग आती है, वहाँ 6 मेडिकल कॉलेज है, हमने 6 मेडिकल कॉलेज को कहा आप 2 घंटे में 6 मेडिकल की जो है मोबिलाइज करके तैयार रखेंगे मेडिसिन डॉक्टर्स के साथ। बाय 1 o'clock हमने वो 36 मेडिकल की डिप्लाई कर दी। 9 बजे सुनामी गवर्नमेंट की वार्निंग 10 बजे आई, 1 बजे से पहले हमने वो और वहां से उनकी ड्यूटी लगेगी कहा जाना है, सब लोग उसी दिन ड्यूटी पे लगाए गए। वहां सेंट्रलाइज किचन एंड बैठे मिल के 2 बजे तक काफी लोगों को जो है बनाया और खाना दिया गया, किसी को बताने की हमने नहीं कहा कि हम क्या करें लोगों को रोकने, क्योंकि हमारे पास कुछ सिस्टम ही नहीं था। इतने लोग गए हैं आज भी हमें दिया था, इसमें सिर्फ डैमेजेस पेड़ के ऊपर बहुत है,
मकान की रुकम कुछ और है। तो हमने उसको वीडियो दिखाया 10 मिनट का, और वीडियो खत्म हो गया इस युवराज का कई साल का पहचानों का। थैंक यू वेरी मच। अब हमें पता चला सुनामी क्या हुई है, बाकी जगह पानी नदी की बीबी हुई सब हवा में पा कर। हमारे ऑफिसरों ने कहा कि आप 2 करोड़ मांगो, 5 करोड़ मांगो, 2 करोड़ मिलेंगे। मैं कह नहीं, हम 25 करोड़ मांगे। उसके बाद जब ब्रीफिंग सुनी मैंने उसको दो चीजें, हमने कहा आप जब कैजुअलिटी देखिए आप ये कितनी को हमारे एक गांव 500 गांव का गाँव में से 200 कैजुअलिटी हो गई, नंबर छोटा लगता है पर डेंसिटी देखिए। मैं कहा ये तो आप दे दीजिए, दूसरा चीज जो है कि हमें 25 करोड़ की। वो खड़ा हुआ उसने कहा नहीं थैंक यू, 25 करोड़ सेंक्शन और सारे आए इसमें वह बेवकूफ नहीं है। जब उसने वो वीडियो देखा तो उसको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, सुना तो आ गया था पहले दिन सुनाऊ भी नहीं। कहने का मतलब यह है अगर आप आईएएस हो रही हैं अरे तो उनको गाइडेंस की जरूरत है, कहीं कहीं थोड़ा पुश की जरूरत होगी। उनमें भी कहीं बहुत अकलबंद आदमी है उनके अच्छे से। मैं जीओसी उत्तर भारत एरिया उसको मिला जुला था, इंसिडेंट में देहरादून में था लगे इंसिडेंट और आपको तालुक होगा। वो कहता है कि 17 मॉर्निंग हमने अपनी सारी यूनिटें उत्तराखंड में जो थी उनको अलर्ट कर दिया था, आपको रिक्वेस्ट आ रहा है आप अपने इलाके में लोगों की मदद करो विदाउट एनी रिक्वेजिशन। और हमने एडिशनल ग्रुप्स इस्तेमाल कर दिए थे उत्तराखंड में 1800 रुपये को वो बरेली से देहरादून पहुंच गया। स्टेट गवर्नमेंट ने 20 तारीख तक उसको पास कर दिया है, वो घूमता रहा हुआ कोई उसको बताने वाला नहीं, ये फैक्ट है। तो किसका कसूर है? अरे भाई आप नहीं कर सकते हो तो कोई दूसरा कह रहा हूँ उसकी तो बात सुन लो, और आपको फायदा ही होगा अगर आप उसको रिजिस्ट्रेशन कर देते। आप क्रेडिट दे सकते थे नुकसान हो जलता हो पेट्रोलियम। हमने सोचा कि ठीक है इतना जल ले तो बाकी अंदर जाए, ये नहीं कि उसको बचाते बचाते हम पूरा ही जल। ये वो है डिसीजन की बात है, ये मौके पे डिसीजन क्यों ली। डिजास्टर में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी बचाई जा सकती है ना, कि कितना जल्दी आप उसमें चेंज दे सकते हो, क्योंकि उसमें आप लोगों को बंद करेंगे, लोगों को शिफ्ट करेंगे। अगर वही हमने देती तो कुछ हमारे गाँव कम से कम लोग बच जाते, लोग कुछ गुम हो जाते। कहने की बात है कि हमारे यहाँ न तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी सब सब था पर अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको जो है प्राइम मिनिस्टर साहब आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हमको 40,000 रुपये एक मकान में ले लिए। दीदी कदम थी, मैंने कहा मेरे को प्राइम मिनिस्टर साहब हमें आपके 40,000 रुपये नहीं चाहिए। कहता जनरल साहब क्या हो गया? मैं कहा साहब आपको एक अर्थशास्त्री हो, आप बात करते हो कि हिंदुस्तान को हम 21वीं शताब्दी में ले जाएंगे और ये जो मछुआरे हैं ये जिंदगी भर झूठी में रहेंगे, क्योंकि पहले झूठी में रहे थे अब उनको झूठी बनवाएंगे हम तो उसी झूठी करेंगे। तो हुआ है पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इनको नया गाँव बसाएं। तो इनका क्या करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी प्लान बनाया था। हमने कहा हर फैमिली को हम 2 कमरा बाथरूम किचन गाँव का फ्रॉम डे 1 अंडरग्राउंड स्वेल स्ट्रीट लाइट स्कूल, अगर बड़ा गाँव है तो हेल्थ सेंटर पंचायत घर, और वहाँ जो है ये साइक्लोन सेंटर भी
हम सेल्स और थोड़ा काम है वो परसिस्टेंट मार्ग हम ये सब प्लान करेंगे पर एक विजन में करेंगे उन्हें आप पीछ करके भेजेंगे। हमने पेपर भेजा तमिलनाडु वाले फिर से 40,000 उस पेपर का बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक से लोन मिला और 40,000 हमें 1,40,000 का मकान मिला। बल्कि मेरे को फोन आया कि क्या आपको और पैसे चाहिए, मैंने कहा नहीं क्योंकि तब तक करीब 8 गांव हमारे एनजीओ ने बसाने के लिए काम शुरू हो गया था। सुनामी हुई दिसंबर में, बाई अप्रैल हमारे 4 गांव का कंस्ट्रक्शन वर्क वाली लैंड शुरू हो गया था। सबके लिए वही है, हाँ हमने जो रूल में वो है जैसे हमने लैंड अक्वायर करके अंडर सेक्शन 70 जिसमें कोई आपको वो नहीं करना पड़ता है। तो कहना था बताइए कई चीजें इस सब हिसाब से दे रहे तो आज भी हमारे पास होते आगे क्यों कर सकते जो भी हम। और जब रिफ्यूज की बात हुई तो हमने बच्चों का स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म का दिए गरीब और उसके लिए सेंटर से पैसे दिए, बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म जूता बेल्ट ये चीजें दी गई। मतलब इतने डिटेल में तैनिक की गई है, हमें अभी तक पता ही नहीं कि कितने गांव में कितने मारे हैं। हमने क्यों नहीं जो लोअर स्टाफ है उनको इंटीग्रेट किया। मैंने एक दिन वहां करीब 20-21 तारीख के करीब 20-21 तारीख के करीब मैंने कहा यार आप सेटेलाइट फोन क्यों नहीं लेते हो, वो जनरल साहब थे नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो कहते साहब वो टावर साहब ठीक है। मैंने कहा कहाँ भी टावर ठीक है जरा तुम दीदी आगे कहते नहीं नहीं वहाँ भी ठीक है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा वहाँ से देखा तुमने, कहते साहब बहुत सवाल पूछ लो। कहने का मतलब यह है कि आप एक सुझाव को देने के लिए भी तैयार नहीं हो, आप उसको भी डिपेंड कर रहे हो कि क्या उसमें होना है। अब मैं आपको बात कर रहा था कि मैं अपने इलाके की जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ हद तक कैसे अंडरमांडू क्योंकि वहाँ सब स्टेटेड आइलैंड है, कम्युनिकेशन नहीं है। आज ही जगह तो आप सिर्फ या तो बाई शिप जा सकते हो बाई हेलीकॉप्टर जा सकते हो। तो हमने क्या प्लान बनाया, हमने ये कहा कि जितने डेवलपमेंट वर्क होंगे हर फैमिली का राइट होगा और एक रूरल डिपार्टमेंट होगा जो उनको काम देगा उनके इच्छा अनुसार। नंबर 2 हम अपनी जमीन का इस्तेमाल करेंगे और हॉर्टिकल्चर में काम करेंगे और एग्रीकल्चर उसके लिए जो पौधे होंगे तो पौध होगी वो लोकल उगाएंगे, बीज गवर्नमेंट उनको देगी, लेबर को लगाएंगे और गवर्नमेंट उनसे खरीद के लगाएगी। क्या हुआ कि आप किसी को मुफ्त में पैसा नहीं दे रहे थे फिर भी आपने उनके लिए रोजगार ढूंढा उसी इलाके। तो तरीके बहुत हैं, हम खुद वहाँ उनको कहते हैं आप अपना ये चीज करिए आपको इतने पैसे मिलेंगे उसे उनसे काम भी कराइए आपको भी नहीं क्योंकि तो हमें विकास की जो बात आई थी हमें एक मॉडल ढूंढना पड़ेगा जो खाली बाहर बिजली सप्लाई करके और 12% हमें बिजली मिले और हमारा आधा 70% इलाका डूब जाए हम बड़े खुश हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो गया। स्टेट का तो हुआ नहीं तो बाकी का मैं कह नहीं सकता किसका हुआ किसका नहीं, ये तो पता है स्टेट का तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। उन्होंने टिकट मेरे पास भी टिकट पड़ी है जो ये स्पेशली केरी और ये रुद्रप्रयाग चमोली ये डिस्ट्रिक्ट हैं और उत्तरकाशी इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है या हुई है तो मार्जिनल इंक्रीज हुई है पिछले 10 साल में। जब भी प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बाय अबाउट 30-35%। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वहाँ के लोग सब बाहर आ जाएं और आप वहाँ डैम बनाते जाओ
अभी तो और साल दो हफ्ते हो गए। ये तो डेवलपमेंट मॉडल हमें इंडिविजुअल एरिया को देख के बनाना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या चीज अवेलेबल है, किसको हम डेवलप कर सकते हैं। हाँ, हमको लोगों को फैसिलिटी देनी, जैसे अंडमान में हमने फिर बाय बैक किया, बाय बैक कर तो जब जैसे वहाँ कोकोनट बहुत होता है, सरकार कोकोनट उनसे खरीदे सरकार मार्केट या उनकी सरप्लस वेजिटेबल होगी सरकार खरीदेगी, चाहे वो वहाँ मेवी आप ही उनको दे या चाहे मेन लैंड में भेजे सरकार का जमा। तो ऐसा कुछ हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा तो हो रहा है, अभी कितने हजार करोड़ हो जाएंगे खर्च सोफॉल्ड रिहैबिलिटेशन का, किस किस्म का रिहैबिलिटेशन होगा वो कोई बैन नहीं कर सकता। पर मैं यही कहूँगा कि जो इसमें कुछ से रखते हैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि ये मौका है कि हम अपने गाँवों का आधुनिकरण करें और उनमें शहरों जैसी फैसिलिटी दें, और ये सरकार का जिम्मा है, उनका काम है, उनकी क्या है बाकी एरिया है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हम मांग नहीं रहे, हमको ये मांगना पड़ेगा, हमारे प्लान में ये रहना पड़ेगा कि हमारे गांव में प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग हो, जितनी भी चीज़ें अगर डिस्पेंसरी है प्रॉपर डिस्पेंसरी हो, एक साल में नहीं बन। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी विडम्बना मुझे नजर आ रही है, एक तो हम आज कुछ गाँव में अब तक जो है खाने पीने की चीज़ें सब नहीं बनती बन सकता, और इससे बड़ी प्रॉब्लम है अगले तीन महीने में भाई नवंबर एंड बड़ा पूरा पढ़ने शुरू हो जाएगी ऊपर ये लोग रहेंगे कहाँ। तो वो अंडमान और पांडिचेरी में हमने सिस्टम किया था इंटरमीडिएट सेंटर या टेम्परेरी सेंटर, क्योंकि हमें पता था कि परमानेंट पॉपुलेशन बनते बनते तीन चार साल लग जाए, तो हमने कहा कि फर्स्ट सिक्स मंथ्स में आप बाकी चीज़ भूल जाएंगे, टेम्परेरी सेंटर बनाइए जिसमें वो रह सकता है। खासतौर पर अंडमान में पांडिचेरी में हमने थोड़ी ऑप्शन दे दी थी कि जो अभी कोई रिश्तेदार के साथ रहना चाहता है उसको हम इतना रुपया देंगे और वो उसके साथ रह जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की लाइब्रेरी नहीं थी उसको, और तब हम अपने आराम से वो परमानेंट अकोमोडेशन प्लान करें, उसका डिजाइन इंसिडेंट लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया गया। जैसे पहले सजेशन आया कि मनीषपुरी बिल्डिंग बनाई, जो पछवाड़े से उन्होंने कहा हमको जिंदगी भर कही रही हमको सिंगल मकान भी वो कर दिया, ये हो सकता है। और इसके लिए हमें पूरा काम करना पड़ेगा, और पैसे की चीज भी कमी नहीं, अगर आप देखिए तो काम करना चाहें बहुत पैसा है, भगवान ने हमें बहुत मौका दिया, हमने ऊपर से भी हिंदुस्तान देखा हुआ नीचे से भी देखा, गाँव में पहला हुआ था भगवान ने आयुष लेवल करीब करीब पूरा देखने को दिया था। अगर काम करना चाहते हैं तो काफ़ी पैसा है, अगर वो पैसा सदुपयोग किया है। अभी अगर आपने पढ़ा होगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मिनिस्टर रिलीफ फंड एन जी ओ जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो कई इंडस्ट्रियों में सब क्वालिटी होता है। हमने उसी चीज़ एक बड़ी इंडस्ट्री की हमने एक नोडल ऑफिसर बना दिया, और सारी सेक्रेटरीज स्टेट के जो रिलीफ मैटर्स है उसको रिपोर्ट उसको डिटेल देंगे, और जब यूएन फंडिंग आए वर्ल्ड बैंक का तो दे टोल्ड ऑल स्टेट की पांडिचेरी का मॉडल फॉलो करें, क्योंकि सिंगल पॉइंट होगा ना हमें बड़ी आसान होगी, आपके दस सेक्रेटरी आगे दस से हमें नहीं करना पड़ता है, यहाँ आपने एक आदमी को बना दिया भाई आपको करो। तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन आ गई, मित्र जो शील वाला है वो 500 घर बनाना चाहता है, और बाद में पता चला कि उसका इंडिया में ऑफिस है ही, तो फॉरेन मनी नहीं ला सकता बेटा। तो हमने एक पांडिचेरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन सेंटर को बताया कि भाई हम मेनली बता रहे हैं वो पैसा ला रहा है, और ये जो है एक एन जी ओ रजिस्टर कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रांजिट अथॉरिटी होगी जो उसका पैसा रिसीव करेगी और उसके आदमी को यहाँ दे देगी, हमारा और कोई से नहीं। हाँ, जो काम वो करेगा सब एन जी ओ को बैठा देगी।
मॉनिटर हम करेंगे, डिजाइन हम देंगे, बाकी तुम चाहे 10 लाख में बनाओ चाहे 2 लाख में बनाओ, हमें मतलब वो आप ये जब एक देते बताते में कभी काफी टाइम मैंने ले लिया। जो मेरा अपना सर्विस का एक्सपीरियंस है, अगर इंसान कोई काम करना चाहे तो दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो उसको वो काम ना करने दे। हम फौज में कहते हैं कि आज ही लड़ाइया दिमाग में ले लिया, अगर आपने अपना मन बना लिया कि मुझे ये करना है और अगर आप उसमें परसिस्टेंट हैं, लगातार उसमें कर रहे हैं, तो आप जो है वो काम आपका हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो हमारा तो है कि सबसे पहले ये नहीं हो सकता, नहीं ये होता सकता है तो अपना दिमाग लगाइए। तो धन्यवाद मैम। आपका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने अनुभव से हम लोगों को अवगत कराया। और दूसरी बात ये था कि सेना को किस तरह से कम्युनिकेशन कैद रहा जमीनी स्थिति में और सेना को बुलाने में, ये हमारी ये सरकार का कोई सरकार विशेष का दोष नहीं, ये दोष हमारे पूरे सिस्टम का है। और ये ऐसे सिस्टम का है कि जैसे मौसम विभाग की चेतावनी थी तो राज्य सरकार ने कहा कि हमको मौसम विभाग ने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये हमारी व्यवस्था का दोष है। मैं ये तो मानता हूँ कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो वो मैटर नहीं करता, हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम चलाने वाले लोग कैसे हैं। अगर हमारे सिस्टम चलाने वाले लोग अच्छे हैं, वो जनता की सेवा के प्रति समर्पित है और क्विक इन एक्शन है, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सिस्टम में सुधर सकती हैं। मैं आज के जो मुख्य वक्ता है आदरणीय तेजी प्रसाद जी भट्ट, अब वो गोपेश्वर से आए हैं, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, केवल वो उनको मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आपकी उपस्थिति बहुत प्रार्थनीय है, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं उनका आभारी हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जो वो उखी पट में थे 3-4 दिन पहले, और जहाँ जहाँ आपदा होती है वहाँ वो दौड़ते हैं, क्योंकि जितना दर्द उनके दिल में है, उन्होंने पहाड़ों को, पहाड़ के वृक्षों को अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह पाला है उन्होंने पहाड़ों को। और जब पहाड़ में कोई वेदना होती है, कोई पीड़ा होती है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि चंडी प्रसाद जी के मन में कितना दुख होता होगा, कितनी पीड़ा और कष्ट वो झेलते हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए चंडी प्रसाद भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें, वो उस राइट के माध्यम से भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे जैसा, लेकिन वो पहले अपनी दिल लगाए अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अपने अनुभव राइट के माध्यम से आप लोगों का अवगत कराएंगे। धन्यवाद।